मंडी व्यापार मंडल के द्वारा रविवार को देवताओं के देवलों और अन्य लोगों के लिए मंडयाली धाम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में देवलुओं ने मंडयाली धाम का आनंद लिया। हिमाचल व्यापार मंडल के चीफ पैट्रन मनोहर लाल ने कहा कि देवलुओं के लिए मंडयाली धाम की यह परंपरा व्यापार मंडल के द्वारा 1983 में शुरू की गई थी और आज भी यह परंपरा जारी है। समय बीतने के साथ साथ अन्य संस्थाएं भी इस कार्य के लिए आगे आई और आज भी इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। सन 83 से एक बात चली कि शिवरात्रि फेयर कमेटी की मीटिंग में कि जो देवताओं के साथ आते हैं, दूसरे आते हैं, उनको खाना देना चाहिए। तो हमने बोला हम तो देंगे व्यापार मंडल, फिर और संस्था भी इकट्ठी हो गई। इसको चले हुए 36 साल में तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीछे से, वही हमारा इंतजार करते हैं कि आप पैसा लेने नहीं आए। संडे तो आ गया, हर संडे को होता है हमारा खाना, कि आप पैसे लो। पैसे कम लेते हैं, हम लोगों से चीज़ें लेते हैं। कोई चीनी की बोरी देता है, कोई चावल देता है, कोई दाल देता है, कोई दूध देता है। इस ढंग से इकट्ठा होता है। तो ये 1983 से हमने शुरू किया और आज तक की परंपरा चली हुई है और आगे को भी ये चलती रहेगी। ये बंद नहीं होगी और बहुत अच्छा लोगों के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं जिनको हमने देखा नहीं हुआ है, वो भी आते हैं और वो भी, उनका भी हम आदर सत्कार करते हैं। हमारे मेहमान हैं वो, तो उनको हम बड़े प्रेम से खाना खिलाते हैं। जो भी संस्था है पूरे मेले की, सब अपने अपने ढंग से पूरा खाना खिलाते हैं। चलो।